न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर पठानकोट से आ रही है। पठानकोट के पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा पहले भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जहां पर जिम्मेदारी बखूबी निभा चुके हैं। पठानकोट के पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा पहले भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बखूबी निभा चुके हैं। उनके फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने से जिला पठानकोट के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह पाया जा रहा है। वहीं भाजपा के पार्षद राजू महाजन की ओर से अश्वनी शर्मा को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने पर मुकदमाबाद की दी गई और मुबारकबाद भी दी गई। मैं साढ़े वार्ड नंबर 33 सारे वासी असी भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े साडे हाईकमांड ने अं उन्होंने बहुत आभारी हाँ जिन्हां ने एक कर्मठ अते 24 घंटे मेहनती इंसान श्री अश्वनी शर्मा जी नूं पंजाब प्रधान की बागडोर दिती है। ये जिहड़े साडे अश्वनी शर्मा जी ने इन्हां नूं एक दुबारा मौका मिलिया क्योंकि इन्हां दी देखरेख विच पहले भी सारिया सीटा भाजपा अकालिया ने जीतिया सी। जिथे जिथे भाजपा नेता सी उत्थे जीती और सरकार भी अकाली भाजपा की बनी। बड़ी वड्डी गल है और सानू ये गर्व है। गर्व नाल कहना पवेगा भी साडे पठानकोट वासी अश्वनी शर्मा जी नूं पंजाब प्रधान बना के भारतीय जनता पार्टी ने एक दोबारा सुनहरी मौका दिता पंजाब वासियों नूं, जिहड़ा कि आने वाले 2022 दे विच साडे अश्वनी शर्मा जी साबित कर देंगे भी वाकई जिहड़ा पंजाब प्रधान सही और सही टाइम ते चुनिया सी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन